मोटोरोला के कौन कौन से स्मार्टफोन्स को मिलेगा एंड्रॉइड 15 का अपडेट। जिनके पास मोटोरोला के स्मार्टफोन्स हैं उनको ये थोड़ी सी मतलब चिंता है या फिर वो सोच रहे हैं इस बारे में कि हमारे फोन को मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, तो इसके बारे में एक अपडेट आया है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक मोटोरोला की वेबसाइट पे स्मार्टफोन्स देखे गए हैं जिनको मिलने वाला है एंड्रॉइड 15 का अपडेट, बात करेंगे आज इसी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। मैं आपको भी बताऊंगा उन स्मार्टफोन्स के नाम जिनको मिलेगा एंड्रॉइड 15 का अपडेट, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स हैं वो स्टॉक एंड्रॉइड होते थे, हालांकि अभी भी हैं बट अब हेलो यूआई आ गया है उनका, लेकिन उसके आने के बाद भी काफ़ी हद तक वो स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि प्योर एंड्रॉइड के बिल्कुल टच में है, ये मान लीजिए ना। आप उसे ये नहीं कह सकते अब भी नहीं, अब भी वो है, बस हेलो यूआई से थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। तो बात ये बनती है कि जो स्मार्टफोन्स प्योर एंड्रॉइड या स्टॉक एंड्रॉइड्स होते हैं तो उन स्मार्टफोन्स को सबसे पहले मिलना चाहिए और मिलता भी है एंड्रॉइड 15 का अपडेट। एग्जाम्पल के लिए गूगल पिक्सल हो गया, ऑल्दो गूगल पिक्सल जो है वो गूगल के हैं तो उनको तो चलिए इसलिए भी मिल जाता है, बट देखा यह जाता है कि जो स्मार्टफोन्स स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं उनको जल्दी मिल जाता है यूजुअली, और मोटोरोला जैसा ब्रांड तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि अब हेलो यूआई आ गया, दूसरी बात क्या है कि मोटोरोला की खुद की कुछ कमियां हैं जिस वजह से अपडेट्स बहुत लेट आते हैं यार। मतलब अब मोटोरोला ने एक चीज़ अच्छी की है कि अपडेट्स चार चार पाँच पाँच साल के कर दिए हैं अपने स्मार्टफोन्स में, लेकिन टाइम से देता ही नहीं है। मतलब अभी भी जो मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा ना, इसके बाद भी बताऊंगा कि शायद हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद प्रॉपर चीज़ें आए, मतलब वो बताऊंगा मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। तो इतना लेट करता है ना मोटोरोला, वो मोटोरोला की खुद की गलती है और किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जब वीवो या फिर सैमसंग या फिर गूगल पिक्सल से स्मार्टफोन सबसे पहले ला सकते हैं तो भैया आप क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल डेफिनेटली ला सकते हो, लेकिन आप लेट बहुत करते हो चीज़ में। ये थोड़ा सा डाउन पॉइंट है मोटोरोला का। चलिए अभी मैं आपको है ना एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ, अभी मैं आपको जो लिस्ट दिखाऊंगा उस लिस्ट में मैं आपको उन सारे स्मार्टफोन्स के नाम दिखाने वाला हूँ जिनको अपडेट मिलने वाला है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैं आपको जो लिस्ट दिखाऊंगा ना अभी एक्चुअली ये मोटोरोला की यूएस की वेबसाइट पे अपडेट हुआ था, और उस अपडेट के बाद में मतलब उन्होंने कुछ अपडेट किया था मोटोरोला ने अपनी वेबसाइट पे जब ये स्मार्टफोन्स के नाम निकल के सामने आए। अभी मैं आपको जो नाम बताने वाला हूँ इसमें कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो तो इंडिया का उनसे कुछ लेना देना है नहीं। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा वो इंडिया में अपडेट मिल जाएगा, और इसके अलावा भी काफ़ी स्मार्टफोन मिसिंग हैं इसमें जो कि लेटेस्ट हैं बट उनका नाम इसमें नहीं है। आई होप बाद में शायद कंपनी इसको भी अपडेट करे, वहाँ पे नाम ऐड करे, क्योंकि उनको अपडेट मिलना चाहिए, वो एकदम लेटेस्ट वाले फ़ोन है, उनके नाम भी इसमें नहीं है। तो जिसके नाम नहीं है वो घबराना मत, ये मत सोचना कि मैंने तो अभी 4 महीने 6 महीने पहले फ़ोन लिया था अपडेट क्यों नहीं मिलेगा, शांति रखना थोड़ी सी, क्योंकि अभी इंडिया की ऑफिशियल लिस्ट भी आने दीजिएगा। ये भी ये यूएस की लिस्ट है, बट मैं जितना समझता हूँ जो स्मार्टफोन्स यूएस में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी हुआ है उसको तो अपडेट मिलना ही मिलना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें नाम, और मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटो की एज सीरीज के बारे में, मोटो एज प्लस 2023, मोटो एज 2024, मोटो एज 40 प्रो, मोटो एज 50, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन, मोटोरोला एज 50 न्यू, मोटोरोला एज 50 प्रो, मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा। तो ये एज सीरीज हो गई, अब इसमें इंडिया में लॉन्च हुए हैं वो भी हैं, और जो बाहर हैं अगर लॉन्च यूएस वगैरह में वो भी मैंने आपको सभी बता दिए। मोटो जी के बारे में बात करते हैं, जी सीरीज के, मोटो जी पावर 5G 2024, मोटो जी 5G 2024, मोटो जी स्टाइलस 5G 2024, मोटो जी 34 5G, मोटो जी 35, मोटो जी 45, मोटो जी 55, मोटो जी 75 और मोटो जी 85। ये मोटो की जी सीरीज थी। अब बात करते हैं मोटोरोला की रेजर सीरीज के बारे में, मोटोरोला रेजर 2023 यानी कि रेजर 40, मोटोरोला रेजर प्लस 2023 यानी कि रेजर 40 अल्ट्रा, मोटोरोला रेजर 2024 यानी कि रेजर 50, मोटोरोला रेजर प्लस 2024 यानी कि रेजर 50 अल्ट्रा। ये मोटोरोला की रेजर सीरीज है। और अब लास्ट में आता है थिंक फोन और थिंक फोन 25, ठीक है, ये सभी वो स्मार्टफोन्स हैं जिनको अपडेट मिलेगा। अब अगर इंडिया में ये जो जो अवेलेबल हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं है तो उनको तो क्या ही बात करनी। अभी इसमें जो स्मार्टफोन मिसिंग है ना, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, मे भी हो सकता है ऐसा कि कंपनी उनको अपडेट देने में और लेट कर दे, 6 महीना 1 साल भी कंपनी लगा सकती है, और इसकी भी अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है कि हाँ इस डेट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बट ये आ चुके हैं वेबसाइट पे वहाँ पे, तो ये लगता है कि हाँ कंपनी बहुत जल्द इनके अपडेट रिलीज कर देगी। कम से कम इनको तो ये संतुष्टि होनी चाहिए जिनके नाम है इसमें कि जी मेरे फ़ोन को मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। कितनी जल्दी मिलेगा वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब एक और ऑफिशियल लिस्ट अगर आती है जितने जल्दी आएगी उतने जल्दी मैं आपको बता दूंगा।
अब ये इंडिया के लिस्ट तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि जो फोन वहाँ लॉन्च हुआ है उसको मिल रहा है तो इंडिया में भी डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, तो थोड़ी संतुष्टि आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिन लोगों के पास ये फोन है कम से कम उन्हें तो ये हो जाए कि हाँ चल अपडेट मिलना है और बहुत जल्दी मिलना है, क्योंकि अब तो नाम भी सामने आ ही चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास मोटोरोला का कौन सा फोन है, कौन सा फोन आप यूज कर रहे हैं, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अपने फोन का नाम तो कमेंट में कमेंट कर दोगे, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, मोटो के ऐसे स्मार्टफोन ज़्यादातर जो जी सीरीज के हैं या फिर जिनके अंदर एमोलेड या ओएलईडी डिस्प्ले है, उनके अंदर ग्रीन लाइन इशू आया था अपडेट करते ही। अब क्या मोटोरोला इस बात की गारंटी लेगा कि जो आप फोन को अपडेट करोगे उसमें ग्रीन लाइन इशू नहीं आएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा पंगा यार, मुझसे लोग पूछते हैं भाई क्या करें, अपडेट करें ना करें। देखिए अब वैसे तो हम मतलब टेक की अगर फील्ड में आप जाओगे, टेक्निकल में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अपडेट टाइम टू टाइम करना चाहिए, और हम भी बोलते हैं करना भी चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर एंड्रॉइड हो। लेकिन अब ये जो इशू आ रहा ना ग्रीन लाइन का, भाई मैंने उस पर बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी और अभी तक मुझे कमेंट्स आते हैं भाई कल ही अपडेट किया, परसों ही किया और ग्रीन लाइन इशू आ गया। तो अब भी लोगों के फोन में आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आता क्या होगा। अगर गारंटी में नहीं है तो डेफिनेटली आपको पैसे दे के ही चेंज कराना पड़ेगा, और अगर अंडर वारंटी है तो मे बी शायद बिना उसके कर भी दें, उसको भी देखना पड़ेगा जाके भैया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं, करें ना करें। तो ये वाली बात है ना, अब अपडेट करना है नहीं करना, देखो मैं तो आप पे छोड़ दूंगा। ग्रीन लाइन अगर देखिए आपके फोन में अगर एलसीडी डिस्प्ले है तो डेफिनेटली ग्रीन लाइन नहीं आएगी, आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर एमोलेड या ओएलईडी या पीओएलईडी या एलईडी डिस्प्ले है तो भैया कुछ गारंटी नहीं है, ग्रीन लाइन आ भी सकती है। तो अब आप मुझे कमेंट मत करना कि भैया करें ना करें, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि देखिए नए फीचर्स लेने तो करना पड़ेगा, या फिर कब तक ही नहीं करोगे ना, क्योंकि अभी तो मोटोरोला ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं दी है, तो अब कब तक रुक सकते हो? अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, और अगर लगता है कि यार देखा जाएगा कर ही लेते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।